सुजानपुर के वार्ड नंबर एक निवासियों ने पानी की किल्लत से तंग आकर काउंसिल के खिलाफ रोष जताया है। वार्ड वासियों का कहना है कि पिछले एक साल से वाटर सप्लाई के तहत पीने का पानी नहीं मिल रहा। जब भी पार्षद के पास जाते हैं आश्वासन के सिवाय कुछ हासिल नहीं होता। उधर पार्षद लता के बेटे अरुण मल्जोत्रा ने कहा कि नगर काउंसिल को समस्या से कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा। मैं सुरेश कुमारी मलकी वार्ड नंबर एक दी मलकी इस पिंड में पानी नहीं आ रहा, पूरा साल हो गया तो ना ही इस पिंड की कोई सफाई हो गई। अभी बार बार एम सी को भी आए करने वो फोन करते हैं, फिर अगर कहते हर कोई जवाब नहीं मिले करता, तो हम दसो अं हल भी कोई हल चाहिए। और समस्या पिंड इस अलावा मतलब सफाई वाले भी नहीं आते हैं, स्वीपर जिन्हें भी आते हैं वह भी बस गंद गुंद पा के चल जाते हैं, तो ना कोई ढंग ना सफाई करता ना कुछ। ठीक है हाँ जी, हर महीने बिल भेज देंगे है तो जो बिल असं ता ही देंगे साढ़े घर पानी पहुँचेगा। हर पूरा साल हो गया पानी मतलब कि बारे सू पानी नहीं मिल रहा। सुनिया पानी सू एक पानी नहीं आता, दूजा साड़ी गली च गंद बड़ा होंगे है, तो मुश्किल है सू बड़ी। अपने एम सी गल की इस बारे में? हाँ जी की है। की कहते हैं? कहते थोड़ा टाइम लगना है। टाइम फिर कि लगना है? कि देर हो गया तुम कहते? हो गया सू साल तो हो ही गया कम से कम। मेरा नाम अरब मजगोत्रा है, मैं लता एम सी का बेटा हाँ। मैं ये कहना चाहना कि जिदा कि साढ़े पानी की समस्या है इतने, मैं एक साल हो गई है पानी की समस्या इतने आती हुई। आप अगे जिले मतलब कि लोग साढ़े घर आते हैं समस्या लैके आते हैं, तो आप अगे जि फोन करते हैं जिदा नगर निगम के किसी में फोन करते हैं, अगर वो कहें कनैक्शन कटा दो जिदा कोई साढ़े कहते जी ज़्यादा तंग करते पे तुम लोग ये कहें कनैक्शन कटा दो, तो आप जे कनैक्शन ही कटाने से तो आप लवाए क्यों फिर कनैक्शन? आप साड़ी यही मांग है साढ़ा पानी तो जल्दी जल्दी वो हल होए। आप यही चाहते हैं सानू चार साल हो गया एम सी बने हुए, साड़ी ये जे अगे साड़ी सुनवाई ना हुई तो साढ़ा की फायदा एम सी होता? आप भी सानू भी लोगों ने चुने है, आप सेवा करनी है, तो मैं तो यही चाहना कि साड़ी जल्दी जल्दी सुनवाई होए, नहीं तो आप भी कोई बड़ा कदम उठावे रोश करा।